आप सभी लोगों का हमारे इस नई वीडियो में स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे पास फोर्ड कंपनी की फिगो गाड़ी आई हुई है। फ्रेंड, इसमें कस्टमर का कंप्लेंट क्या है कि इनका जो पावर विंडो है वो राइट साइड का वर्क करता है और लेफ्ट साइड का नॉट वर्किंग करता है। तो हमें चेक करना है कि वो पावर विंडो ऊपर नीचे क्यों नहीं हो रहा है, लेफ्ट साइड का राइट साइड का काम कर रहा है, लेफ्ट साइड का काम नहीं कर रहा है। तो हम आपको करके दिखाते हैं एक बार। ये देखिए, बटन से ऑपरेट करते हैं तो देखिए, हमारा लेफ्ट साइड का जो विंडो है वो नीचे नहीं होता है। देखिए, ना नीचे होता है ना ऊपर होता है, हमारा राइट साइड का होता है। देखिए, ये हमारा राइट साइड का काम कर रहा है, देखिए, लेकिन लेफ्ट साइड का काम नहीं कर रहा है। तो हमने इसका डोर पैड ओपन किया है, डोर पैड ओपन करके वो स्विच से भी नहीं काम कर रहा है। तो स्विच से कीजिए ऊपर नीचे, ये देखिए लेफ्ट साइड के भी स्विच से काम नहीं कर रहा है। देखिए हमारी गाड़ी, देखिए चाबी इग्निशन ऑन है। ठीक है फ्रेंड, तो हम इसमें चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, बटन का प्रॉब्लम है कि क्या प्रॉब्लम है। तो हम इसका बटन ओपन करते हैं और एक बार छुट्टा करके चेक करते हैं। तो हमने इसका बटन ओपन किया है, अब इसको छुट्टा करते हैं और छुट्टा करके चेक करते हैं कि इसके अंदर का पॉइंट वॉइंट बराबर है कि नहीं है। तो हमने पावर विंडो का बटन ओपन कर दिया है, अब इसको हम चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो ये इसका चारों पट्टी है, देखिए यही वर्क करता है। तो हमने इसको क्लीन करके ले लिया है, अब क्लीन करके उसके बाद फिट करते हैं, फिट करके चेक करते हैं कि हमारा पावर विंडो जो ऊपर नीचे होता है कि नहीं होता है। तो ये हमारा पावर विंडो का जो बटन था, हमने रिपेयर करके असेंबली कर दिया है। अब इसको हम लगाते हैं और लगा के चेक करते हैं। तो फ्रेंड, हमने इसका बटन भी रिपेयर किया तो भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो देखिए, हमने इसका वायरिंग चेक किया, यहाँ से वायर कटा हुआ है राइट साइड के दरवाजे के लूम से। देखिए वायर कटा हुआ है येलो कलर का। तो हम अभी इसका वायर जोड़ रहे हैं। देखिए, हमने एक एक्स्ट्रा वायर डाला है लूम के अंदर से, नीचे का हमने ज्वाइंट कर लिया है, अब ऊपर ज्वाइंट करेंगे। तो अब हम चेक कर रहे हैं, ये देखिए ये हमारा पावर विंडो काम करने लगा। ये देखिए मंगता, तो यहाँ से भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए अब उठा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो पावर विंडो का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। सबसे पहले हमने इसका बटन रिपेयर किया तो भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो हमने इसका लूम में वायर चेक किया तो वहाँ से कटा हुआ था, वो तो कौन सा वायर कटा था हमने आपको दिखाया ही। ठीक है फ्रेंड, तो अब इसका हमारा ये फाइनल हो गया है। तो हम इसका डोर पैड जो भी ओपन किए थे उसको फाइनल कर दे। तो फ्रेंड, अब इसका हम डोर पैड ओपन फिटिंग करने जा रहे हैं। देखिए, हमने इसका डोर पैड ओपन किया था तो इसका दोनों साइड का हम डोर पैड ओपन फिट कर देंगे। तो फाइनली हमारा डोर पैड बैठ गया है। अब इसका जो भी स्क्रू हमने ओपन किया था वो सारे स्क्रू लगा देते हैं। इसमें देखिए टोटल चार स्क्रू आता है, दो एक यहाँ पे आता है, एक यहाँ पे आता है, जो डोर पैड के अंदर नीचे आता है। तो हम चार स्क्रू लगा देंगे।
तो फ्रेंड ये दोनों साइड का हमारा डोर पैड लग चुका है, देखिए। अब हम आपको पावर विंडो ऊपर करके दिखाते हैं। तो देखिए ये लेफ्ट साइड का जो हमारा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है, हमारा पावर विंडो ऊपर नीचे होने लगा, देखिए। ये देखिए हमारा ये राइट साइड का पावर विंडो ऊपर नीचे हो रहा है, देखिए। ये देखिए इसमें हमारे गाड़ी में लेफ्ट साइड का प्रॉब्लम था, तो हमारा लेफ्ट साइड का भी सॉल्व हो चुका है, देखिए। ये देखिए ठीक है, तो ये हमारा लेफ्ट साइड का प्रॉब्लम जो था, पावर विंडो जो वर्किंग नहीं करता था, वो भी ओके हो चुका है, देखिए। तो ये हमारी गाड़ी फाइनल हो चुकी है फ्रेंड। तो इसमें हमने आपको बताया था कि इसका वायरिंग का प्रॉब्लम था, डोर के साइड से रूम से वायरिंग काट दिया था, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारी गाड़ी फाइनल हो चुकी है, देखिए। यहाँ से वायरिंग, इसका जो दरवाजे का जो वायरिंग का लूम आता है, वो हमने आपको दिखाया था, इधर से वायर कट था, तो हमने वायर ज्वाइंट कर दिया है, देखिए। हमारा लेफ्ट साइड का देखिए, ये हमारा लेफ्ट साइड का प्रॉब्लम था, देखिए पावर विंडो हमारा वर्क करने लगा, ठीक है फ्रेंड। आज का हमारा वीडियो था पावर विंडो नॉट वर्किंग का, इसमें हमने क्या क्या किया वो हमने आपको दिखाया ही है, ठीक है। अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाथ जोड़ के निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।